हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे चैनल कुसुम ब्लॉग्स उत्तराखंड में। तो गाइस, आज मैंने ये सूट पहना हुआ है, मैंने गर्म सूट निकाल लिया है क्योंकि सर्दियाँ आई गई हैं, अब ठंडा हो रहा है सुबह सा। तो जैसे गर्म सूट पहन लिया तो इतना स्वेटर की कुछ ज़रूरत ही नहीं, तो मैं घर में लोअर टी शर्ट पहनती हूँ नॉर्मली, तो उसमें टी शर्ट वगैरह उसमें स्वेटर पहननी पड़ती है टी शर्ट के साथ। तो ये सूट ना मेरा नवी के होने के टाइम का है, जब प्रेगनेंसी के टाइम का उस समय का ये सूट है, आप देखेंगे। अब मैंने ये फिट करा लिया है, फिटिंग करा ली है, क्योंकि पाँच छः साल से ये सूट ऐसे रखा हुआ था दीवान बेड के अंदर। मैंने सोचा चलो इसे फिट कराते हैं, इस बार इसी को पहनते हैं। तो अब एक आध सूट कभी कभी आपको दिख जाएगा व्लॉग में मेरा पहने में, नहीं तो मैं लोअर टी शर्ट में ही रहती हूँ ज़्यादातर हर व्लॉग में। तो बस अभी मैं पानी की टैंकी चेक करने आई थी, जो है ना दो दो दिन में पानी का टैंकी को ऑन ऑफ करना ही पड़ता है, पानी भरना ही पड़ता है, कभी ज़्यादा पानी लग जाता है। तो टैंकी में छत में आई थी अभी, तब मैंने सोचा आपको सूट भी दिखा लिया जाए। और इसके साथ इसी तरीके का दुपट्टा है, शॉल है मतलब बड़ा, तो अभी उसे नहीं लिया है मैंने अभी, खाली इसका ये मैं दिखाती हूँ पूरा करके दिखाती हूँ। ये देखो, इसके साथ ये फैली वाली पैजामा बनाई है मैंने, नॉर्मल जो पैजामा होती है, पजामा जो बोलते हैं। तो बस ये व्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी। तो अभी नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, तो अभी हम जाने वाले हैं विशाल मेगा मार्ट, नवी, प्राचू और मैं और परदेश भी हम जा रहे हैं चारों। तो रुचि अभी नहीं आ रही है, तो फटाफट से मैं रेडी होती हूँ। और इसलिए जा रहे हैं ना क्योंकि वहाँ से एक कुछ सामान लेना है हमने किसी को गिफ्ट करने के लिए, क्योंकि मम्मी जी लोग जा रहे हैं, बुआ जी इनकी, उनकी बेटी है पिंकी, तो पिंकी का यहाँ पे मकान बना है, घर प्रवेश हो गया है, तो आज इन लोग को टाइम मिला तो आज जा रहे हैं घर देखने। तो बस कंटिन्यू रहिए। राजू हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट। कहाँ जा रहे हैं बताओ? विशाल मेगा मार्ट। हाँ, और हम जा रहे हैं गिफ्ट लेने। नवियान साहब कैसे लटके हो? देखो हम कितने लेने आए हैं, गिफ्ट लेने हम इतने सारे आए हैं वो कार लेके। दोनों बच्चों ने देखो एक एक चॉकलेट ले लिया है, लेकिन हम क्रॉकरी हाउस में आए हैं अभी, यहाँ पे हम इन दोनों को खाली लेके आए, इन्होंने ना सामान छाड़ना बड़ा मुश्किल कर दिया है। ये देखो यहाँ लगे हुए हैं। नवी, प्राचू, आप दोनों क्या कर रहे हो बेटा? चलो फिर आओ। गाइस, मैं ट्रॉली लेने आई हूँ। नवी, प्राचू ने बहुत सारे टॉयज रख लिए वहाँ पे, और हम डिनर सेट ले रहे हैं ना, तब इसलिए ट्रॉली लाई हूँ, क्योंकि पेट थोड़ा सा हिल रही है, फटी हुई जैसी हो रही है। वीडियो बना रहे प्राचू की, प्राचू रो रही है। बहुत गंदी बात प्राचू। हम पहुंच गए हैं घर, आ जाओ जल्दी नवी, आ जाओ जल्दी। बड़ी आफत करी इन्होंने, कहीं ले जाने लायक नहीं है ये। नवी आ जाओ, प्राचू आओ। ये देखो आज हमने कहाँ जाना है, शादी में भी जाना है ना, चलो फिर चलो फटाफट चलो। हम डिनर सेट लेके पहुंच गए हैं घर। अब प्राचू रुचि को ढूंढते ढूंढते ऊपर चले गए रोते रोते फिर से। प्राचू मम्मा यहाँ है, प्राचू ऊपर ही रो रही है वो। जो हम गिफ्ट लाए थे ना हमने यहाँ पे इसे पैक कर दिया है, ये देखना। नवी आ जाओ, सो जाते हैं अब। नवी, नवी की बाइक कल सही करी ना, तो नवी आज दिन भर बाइक चलाने में। कहाँ है नवी आपकी बाइक? बहुत बढ़िया है। ये देखो नवी भाई, ये देखो नवी, आज दिखाओ बस स्टॉप। चलो देखो नवी, प्राचू कैसे घूम रहे हैं, गाने भी लगाओ भाई अपनी गाड़ी में, तो अभी ना काट दे आगे देखो। तो गाइस अभी मैं गेट के बाहर खड़ी और दूध की बाल्टी लेके दूध लेने जा रही हूँ, क्योंकि ना सास जी, ससुर जी और परवेश भैया, क्योंकि परवेश भैया गाड़ी चलाते ना कार, तो सास जी लोग जो हम गिफ्ट लाए थे अभी सुबह, तो उसको लेके, वो जो पिंकी है इनकी बुआ जी की बेटी, उनका मकान बना है, घर प्रवेश हो गया है मतलब, तो आज देखने जा रहे हैं। तब वो सब लोग वहाँ गए हैं, और दिन पापा जी लेके आते हैं, तो आज मैं लेके जा रही हूँ। तो देखो दूध की बाल्टी लेके जा रही हूँ मैं। अब मौसम भी ना धुंधला धुंधला हो गया है, बादल जैसे लग गए हैं, खेती बाड़ी हो रही है, अब तो खेत भी प्लेन हो गए हैं। मेरा बेटा सोया है घर में। चल 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 चल। गाइस बहुत लेट हो गया, देखो 15-20 मिनट मुझे रुकना पड़ा दूध लेने के लिए, बहुत भीड़ लग गई, क्या लास्ट में ख़त्म हो जाता ना, इसलिए मैं जल्दी चले गई थी। हेलो हनी, आज आप आ रहे हो दूध लेने? सब मोहल्ले के ही हैं। ये देखो दूध की बाल्टी लेके
मैं नवी ना उठ गया हूँ, मुझे लगता है ना नवी उठ गया होगा। मैं दूध लेके आ गई हूँ, नवी सोया हुआ है। और मैंने ना नवी की ड्रेस लेने जानी है शिव गणेश के वहाँ, जहाँ मैं परसों गई थी ना, मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, तो भैया ने ना अभी तक दी नहीं। तो मेरे जो साथ में सुनीता थी उनकी तो दोनों ड्रेस मिल गई थी, उनकी ट्विंस है ना, तो दोनों बेबी के लिए मिल गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं बाद में ले लूँगी, तो वेडनेसडे ट्यूजडे को दी थी उनको, अब मुझे आज शायद देंगे। तो अभी चलो मैं जाती हूँ, नवी सोया कहीं उठ ना जाए, लाइट बंद करके जाती हूँ। तो गाइस अभी मैं नवी की ड्रेस लेके आ गई हूँ। नवी स्कूल की ड्रेस कहाँ है? और देखो ये है नवियांश की ड्रेस शिव गणेश की। और मैंने ना ये जो सूट सिलवाया था उस दिन, जो हम उस दिन घूमने गए थे ना मॉल वगैरह, रुचि मैं और जब डब्बू ये लोग आए थे तो परवेज हम लोग सब गए थे, तब ये सूट लेके आई थी मैं। आज मैं सिला लिया, ये देखने कैसा लग रहा है। मैंने कहा था वो दिन से चुन्नटे आएंगे तो चल जाएगा, तो वो लूज करा उन्होंने यार, ये देखो लूज करा ना, ठीक है वैसे तो लूज से जाता है, बट क्या ये शादी में जाने लायक है? सिंपल सा लग नहीं रहा मुझे ना। नवी क्या मैं शादी में पहन सकती हूँ उसे? नहीं पहन सकती शायद, ऐसे इसका दुपट्टा है ये देखना, इसी तरीके का ये इसका दुपट्टा है, ऑल ओवर एक ही है। थोड़ा कंट्रास्ट में ग्रीन पैंट होती ना मेरे पास तो चल जाता, ग्रीन पैंट नहीं है मेरे पास तो बस कुछ और सूट निकालती हूँ मैं। अभी हमने जा रहे हैं शादी में तो हम लोग रेडी हो रहे हैं, तो अभी मैं ये ट्राई कर रही थी सूट को, मैं सिला के लेके आ गई थी कल। नवी कह रहा मैं अभी तैयार होता हूँ, अब देखती हूँ अब कुछ और ऑप्शन निकालती हूँ मैं पहनने के लिए। शादी में जा रहे हैं और नवी प्राचू का मेकअप करा है, देखो प्राचू मेकअप करवा रही है। बताओ हम शादी में जा रहे हैं, अभी दिखाएंगे प्राचू ने, देखो लहंगा पहना है प्राचू, अभी दिखाएगी अच्छे से। मेरे अभी नवी मेकअप करा है, उसके हेयर स्टाइलिस्ट आ रखा है एक नया, है ना। मेरी शादी में अभी कार में बैठे हुए हैं, रुचि है, प्राचू है, नवी आगे बैठा हुआ है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ पीछे। हम सासू माँ का इंतजार कर रहे हैं, परेश भैया वहीं अभी बुलाने गए हैं। लाइट खोल दे, अच्छा तो अंधेरा हो रहा है ना, तो बैक कैमरे से अभी मैं बना रही हूँ वीडियो, फ्लैश खोल के, पता नहीं कैसा आ रहा है, आँख चमक रही होगी। तो बस हम वही है, पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो रुचि ने पहनी है साड़ी पुरानी है। हम पहुँच गए हैं वेडिंग पॉइंट में, ये देखो नवी, हम दोनों अपने बच्चे संभालते रह जाते हैं। ये हमारे प्राचू, नवी नहीं हाथ नहीं छोड़ना है, इधर ये मेन रायपुर वाली रोड में, मेन रोड में है ये मथुरा वेडिंग पॉइंट। और बारात भी पहुँच ही रही है अभी, ये देखना बारात भी पहुँच ही रही है। नवी ने क्या लिया है? कैंडी क्लॉथ। रुचि यहाँ देखो, बाद में खींचेगा अच्छे से फोटो। ये फोटो खिंचाने के लिए सेशन बना रखा है ना, बढ़िया सा। ये क्या है? पॉपकॉर्न ले जाओ, खड़ो जो वहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ आई थिंक कुछ सैलेड वगैरह लगेगा। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. A sign. Be the greatest. Everybody on the face. Shit, I look at me. तब हम बाहर आए हैं, पहले यहाँ पे फोटो खिंचाने का, पहले फोटो खिंचा लेते हैं कुछ, देखना।
पर लगी हुई है, उनकी शादी है। और बैकग्राउंड देखो क्या सुंदर सा है। नवी प्राचू ना कुछ नहीं खाने देते हैं। यहाँ देखो पॉपकॉर्न चाहिए थे इसे, खाई नहीं पहले के भी, फेंक दिए, अब फिर चाहिए इसे। और रुचि वहाँ पर फ्रूट चाट ले रही है, पर इनके पीछे निकल जाता है पूरा हमारा, कहीं शादी में जाता हो घूम तो रहा इनके पीछे इधर देता। हमने कुछ भी नहीं खाया, हमने चाउमिन ली, अच्छी नहीं लगी, कुछ फेंक दिया, उसके बाद ही बड़ा खाया है। और टिक्की वगैरह भी, डोसा वगैरह कुछ नहीं लिया ऐसा, बस अब हम खाने के लिए जा रहे हैं। बस हो गई है जयमाला वगैरह, खाना वगैरह हमने खा लिया है, शादी पूरी निपट गई है, बच्चों ने हमें कुछ नहीं करने दिया, हुलिया बिगड़ गया है। साड़ी साड़ी सब पकड़ खाए, बस यहाँ पे खाली ग्राउंड में घूम रहे हैं। बहुत बड़ा बैंकेट हॉल है ये, हो गया आप घर चलते हैं। बस पुलिस भैया को फ़ोन करते पहले हैं कहाँ, क्योंकि बच्चों ने खा लिया है, अब कल स्कूल भी है नवी का, तो अब चलते हैं। हेलो हेलो करो यार, फ्रेंड्स हो आप, क्या नेम है आपका बेटा, क्या नाम है? दुखी कर दिया ना भाई, बहुत दुखी कर दिया बच्चों ने। अब खाना खा रही थी, वो तो है ही है। यहाँ पे पान खाने की इतनी भीड़ है, किसे खाना है? खान का पान, जैसे प्यारे आप उससे कम मेरा पान। हाँ थैंक यू, वेलकम जी वेलकम। कौन सा गरम वाला है? आग वाला तो नहीं है? कि कहते हैं कि चांद इतना ना चमक, यहाँ और भी चांद रहते हैं, चांद है यहाँ पे, रात चांद रहते हैं। सुनने नहीं दे उन्होंने, तो सुनने नहीं दे, वो क्या बोल रहे हैं। मैं इसे कहाँ कहाँ ढूंढा है, इसको देखना यहाँ, ये ऐसे में खाने के लिए बैठा है चुपचाप, यहाँ पूरा बाहर ढूंढा है इसे। चलो अब हम घर को जा रहे हैं, ये देखो नो विकल्प, एंट्री बंद है। कहाँ पर इस लोग उनका देखते पहले, कहाँ खड़े होंगे दोनों, आगे गाड़ी तो शायद। चलो पहुँच गए हम घर, बस गए हम घर पहुँच गए हैं। नवी ने इतना परेशान किया ना मुझे, एक बार मैं हम जब पान खा रहे थे, जब मैं वीडियो बनाई थी पान की, उस समय मैंने सोचा हम पान खा रहे थे, ये पीछे खड़ा था मेरे बगल में हाँ, और जैसे पान खा रहे थे मैंने देखा पीछे, मैंने कहा नहीं है, मैं तो वहाँ पे ग्राउंड में ढूंढा नहीं है, अंदर ढूंढा नहीं मिला, वहाँ पे बाहर गई मैं गेट के बाहर, वहाँ भी नहीं है। मैं सोचा दादी लोग के साथ चले गए, दादी लोग तो चले गए थे, बट ये ना लड़का वहाँ भी नहीं। फिर मैं अंदर गई, रुचि भी ढूंढ रही, मैं भी ढूंढ रही, देखा अंदर लेडीज़ के बीच में बैठ के चुपचाप आइसक्रीम खा रहे थे। गंदी बात, इसने हार्ट अटैक दिला दी, मैंने सोचा आज ले गया कुछ, भगवान की कृपा मिल गया, लेकिन गंदी बात ना भी, बहुत गंदी बात है। तो चलो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल स्कूल जाना है नवी ने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय बाय।